उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी हो, मगर यूपी में आरोपी इतनी हद तक बढ़ गए हैं कि वो अपनी हवस बुझाने के लिए अपनी बहनों तक को नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला जनपद संभल के थाना नखासा के ग्राम मिठोली मिलक का है, जहां एक नाबालिग रात में सोने जा रही थी, तभी उसको एहसास हुआ कि उसके घर के दरवाजे पर कोई है। उसको नहीं पता था कि उस दरवाजे पर उसकी आबरू के दुश्मन ताक लगाए हुए बैठे हैं। जैसे ही नाबालिग दरवाजे पर पहुंची तो आरोपी फुफेरे भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग का अपहरण कर जंगल में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। दोनों आरोपी अपनी हवस को बुझाकर नाबालिग को बेहोशी की हालत में जंगल में ही पड़ा छोड़ फरार हो गए। काफी देर बाद नाबालिग के घर में ना मिलने पर घर वालों को चिंता हुई और नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। तभी किसी ने बताया कि नाबालिग लड़की पास के ही जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ी है। इतना सुनकर घर वालों के होश उड़ गए और मौके पर जाकर देखा कि उनकी घर की दौलत बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी है। परिजन तुरंत उसे घर लाए और काफी घंटों बाद नाबालिग को होश आया। उसने परिजनों को अपनी सारी आपबीती बताई। परिजनों ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि मासूम को कब तक न्याय मिलता है और भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने वाला आरोपी कब तक सलाखों के पीछे जाता है। पूरी बात जब मैं यहाँ से मैं दवाई जो खाई थी तो मैं गर्मी लग गई, मेरा गर्मी हो गई, फिर मैं सो गई बाहर जाकर। मैं गई पेशाब में, फिर वहाँ पे अंदर वो डेला हटा हुआ था तो मैं बोली ले सलाऊ पत्थर को, तो दो तो खड़े आदमी बाहर। जब मैं पत्थर लगाने गई तो उन्होंने ऐसा वो ढक्का दिया जो मेरे एकदम से मुंह मीच लिया। मुंह मीच के एक ने तो मुंह मीच लिया, एक ने कोलिया भर लिया और वो ले गए मेरे टाइम। फिर उन्होंने मेरे साथ में बेइज्जती करी। फिर उसके बाद में वो बेहोश हो गई। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। क्या क्या नाम है कानों का? एक का नाम है बसीम। कहाँ का रहने वाला? गे रहने वाला है मेहमदपुर मारने का। और दूसरा? और दूसरा है कि जमालपुर का, मुंह देखा हुआ है। देखिए इस संबंध में जो आरोपी हुए गए वो उसका फुफेरा भाई है। पर उस संबंध का जो पंजीकृत किया जा रहा है और उसके बाद विवेचना की जाएगी। जो विवेचना से साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।